हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ मटन बिहारी स्टाइल में, बिल्कुल चटपटा चटाकेदार। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाई हूँ, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया मटन, तो आप और यहाँ पे मैंने लिए प्याज अच्छी तरीके से मैंने कट करके, मिर्च अदरक लहसुन। तो क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं बनाऊँगी कुकर में, तो मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर कुकर। आप चाहे तो यहाँ इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं या फिर कुकर में भी। तो फेस्टिवल का टाइम है तो मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में थोड़ी सी झटपटी बन जाती है, मतलब थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं या बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत ही हमें मतलब अच्छे तरीके से ही बनते भी हैं। और तो देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या ऐड कर रही हूँ। मैंने तेल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद आधा छोटा चम्मच जीरा मैंने ऐड किया है, दो तीन तेज पत्ता, और यहीं पे मैं डालूँगी एक दो दालचीनी और सूखी मिर्च मैंने ऐड किए हैं। यहीं पे डालूँगी दो तीन लौंग इलायची। तो बहुत मतलब बहुत चटाकेदार बनते हैं बिहारी स्टाइल में, कोई बना के खाइए। वैसे मैं मटन के वीडियो काफ़ी सारे अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ देखें। तो देखिए अच्छी तरीके से तेल को गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने डाल दी है प्याज अच्छी तरीके से लाल होने के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर प्याज को पीस के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बना रही हूँ बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, जो बिहार स्टाइल में बनते हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर यहाँ पर आपको ढाबे वगैरह में इसी तरीके से आपको मटन खाने को मिल देखते हैं बनते हुए देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मैंने प्याज को या जितने भी मैंने कट करके रखे थे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब लाल करूँगी कि जब तक मतलब प्याज गल ना जाए और थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए, जब तक प्याज को मैं अच्छे तरीके से लाल करूँगी, क्योंकि बिहार साइड का जो मटन है वो इस तरीके से आप कभी बना के देखिए उसका बात ही कुछ अलग है। तो बिहारी मटन किसको ही ना पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करने के बाद रख दिए हैं। तो यहीं पर जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने तैयार करी थी, यहीं पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसको 5 मिनट तक मैं इसी गैस को मैं हाई करके पकाऊंगी, ताकि जो इसकी जो कच्चापन है वो इसके जो मैं कच्चापन के वो अच्छी तरीके से चली जाए। इसके बाद ही मैं यहाँ पर मटन ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे मटन मसाले वसाले भी सारे फ्राई करने थे। यहाँ पर देखिए मैं मसाले भी ऐड करती हूँ। तो मसाले मैंने क्या क्या ऐड किए हैं, यहाँ पर मैंने डाले हैं हल्दी पाउडर, और मैंने हल्दी पाउडर कलर के लिए, और यहाँ पर मैंने मिक्स मसाले डाले हैं वो भी भर के 3 चम्मच, क्योंकि मुझे चटपटा और स्पाइसी बनाना था। और होली के टाइम है तो आप जैसे मालपुआ वगैरह या फिर किसी भी मीठा के साथ खाने के साथ आप खा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा चटपटा और तीखा। तो यहीं पर मैंने कलर के लिए छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च मैंने देगी मिर्च मैंने ऐड कर दिए। यहीं छोटे चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दिया। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच करीब के राउंड और मैंने मिक्स मसाला ऐड किए। तो बेसिक मसाले इसमें जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गोलमरीच, गरम मसाला पाउडर। तो कभी आपको पहले भी मैं वीडियो में बोल चुकी हूँ कि अगर इस मसाले की रेसिपी आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं किसी और दिन मसाले की जो वीडियो है मैं ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये मसाला ना आप जब भी आप बना के रख दीजिए तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगते है। कोई भी चीज़ या कोई भी डिश आप बनाओ तो ये बिल्कुल भी झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको तो मैं लाल कर ही रही थी, बाद बाकी मैं जितने भी मसाले मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं इसको भी अच्छी तरीके से मैं लाल करूँगी। यहाँ पे मसाले को अच्छे तरीके से लाल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे मटन ऐड कर दिया। अब मटन को और मसाले को मिनिमम कम से कम मैं 10 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी, अच्छे तरीके से एकदम सोनापन वोना हो जाए, जब तक अच्छी तरीके से खुशबू ना आए एकदम। आप जब भी आप बनाओगे और जितना फ्राई करोगे ना मटन काफ़ी अच्छे बनते हैं। बिहारी मटन की जो मेन खास बात है कि मसाले और जो मटन भी है ना अच्छी तरीके से एकदम बिल्कुल फ्राई होनी चाहिए, ताकि जो मसाले की कोई भी कच्चापन ना
और खाने में दिखे और या फिर खुशबू ना आए, तो क्योंकि आप जब भी कभी बिहार साइड में जाइए तो जब मटन या फिर नॉनवेज वगैरह बनते हैं तो आप अलग से ही आपको खुशबू सूंघने को मिलेंगे, कि मतलब आपको खुद को मन करेगा कि हाँ खाएं घर के। तो मैंने यहीं पे डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, यहीं पे मैं छोटे चम्मच से ना आधे चम्मच में ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसको चटपटा बनाना है मुझे, तो मैं ब्लैक पेपर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मैं घुमा घुमा के कम से कम इसको मतलब काफ़ी टाइम तक मैं इसको फ्राई करती हूँ। आप घड़ी देख के फ्राई करें, 5 मिनट चाहे या 10 मिनट, मिनिमम इतना आप फ्राई करें जितना में मतलब मसाला कच्चा ना हो और मटन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कलर भी मैं मतलब मटन का चेंज हो गया है, और मैं बिल्कुल मटन मेरे बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यम्मी बने थे। इस तरीके से मैं जब भी बनाती हूँ कुकर में बनाती हूँ, तो यहीं पर मैंने अपने हिसाब से मैं पानी ऐड करूँगी। तो देखिए मैं जो अदरक लहसुन का जो मिक्सी में पीसी थी अदरक लहसुन, उसका भी मैंने पानी ऐड कर दिया, क्योंकि वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं वो पानी भी मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए मैं उतनी ही ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है। तो चावल जीरा राइस या पुलाव या फिर पूड़ी के साथ आप ये मटन खा सकते हैं। हाँ, अगर आप सूखा खाना चाहते हो तो आप यहीं पे इसी स्टेज पे आप ढक्कन लगा दो और इसको सूखा बना लो। कि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैं ग्रेवी वाली तैयार कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल एकदम गोल्डन लाल इसको कलर हो गए थे फ्राई करते करते, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगे थे आप सबको। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो आप लोग इसकी जगह से मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि अच्छे अच्छे जो ना क्वीन वीडियो में लेती हूँ आप लोगों के लिए। बिहार साइड का तो यहीं पर मैंने ना पानी ऐड करके ढक्कन लगा दी हूँ। ढक्कन में मिनिमम लगाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक, यानी कि 4 सीटी गैस मीडियम करके। तो देख पा रहे होंगे आप कलर देखिए एकदम बहुत ज़बरदस्त कलर आए थे। यहीं पे मैंने डाल दिए धनिया पत्ता और ये देखिए बिल्कुल एकदम कलर ज़बरदस्त, तो खाने में बिल्कुल ज़बरदस्त लगे थे। आप इसी स्टेज पर ना आधे चम्मच देसी घी ऐड कर दें बहुत देखिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। और गरम गरम पुआ के साथ मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ। तो पुआ के जो रेसिपी है किसी और दिन आप लोग को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।